ओके सो दिस इज चैप्टर 13 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना कंपैरेटिव स्टडी. ओके सो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन स्टडी ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना. ठीक है, इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग ने करना है इसमें ग्रोथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना. ठीक है, कौन कैसे उनकी ग्रोथ हुई है. सेकेंड, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमीज का, क्या उनकी जो इकोनॉमीज है उसका कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कॉमन सक्सेस स्टोरी है इंडिया और पाकिस्तान की, दोनों की सक्सेस स्टोरी क्या है, कॉमन है. और लास्ट है चाइनाज एज ओवर इंडिया. ओके सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दिस. फर्स्ट ओपन योर बुक्स. ओके नाउ सो फर्स्ट इज स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना. ठीक है, कौन सी क्या स्ट्रेटेजी उन लोगों ने अडॉप्ट करी थी इंडिया चाइना और पाकिस्तान ने ताकि जो उनकी इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, यानी कि 1947 के बाद क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी फॉर द ग्रोथ. ठीक है, दोनों ने इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी. ठीक है, वो स्ट्रेटेजी क्या थी, एक तो मिक्स इकोनॉमी थी. जो इंडिया और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी फॉलो करी वो कौन सी थी, मिक्स इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी मींस इंडिया एंड पाकिस्तान, इन्होंने क्या करा, मिक्स स्ट्रेटेजी फॉलो करी. मिक्स मतलब मिक्स इकोनॉमी क्या होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी करी थी हम लोगों ने 11th में, सेंट्रली प्लान, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी करी थी, याद है कुछ. सेंट्रली प्लान यानी कि उसके डिसीजन कौन लेता था, गवर्नमेंट. ठीक है, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में डिसीजन कौन लेता था, इंडिविजुअल और जो भी हमारा फर्म थे वो अपने आप डिसीजन लेते थे. यानी कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हू टू प्रोड्यूस, उसके डिसीजन कौन लेती थी, गवर्नमेंट लेती थी सेंट्रली प्लान में. ठीक है, जो हमारी फ्री इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी वो जो इंडिविजुअल फर्म होती थी, मार्केट अपने आप डिसीजन लेते थे अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड जैसे आ रही है वैसे सप्लाई बढ़ाए देते. ठीक है ना, और नेक्स्ट जो आते हैं मिक्स में, गवर्नमेंट भी ले सकती है या फिर आइदर गवर्नमेंट और आइदर फर्म, कोई भी ले सकता है. ठीक है ना, तो मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी रोल होता है, उसका भी होता है. ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ने ही लेना है या मार्केट ने अपने आप लेना है. ठीक है, मिक्स रहता है. तो जो इंडिया और पाकिस्तान है, इन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, मिक्स इकोनॉमी ग्रोथ के लिए इन्होंने अडॉप्ट करी थी. ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रेटेजी थी ग्रोथ की, अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, इसने क्या करा, दोनों को पब्लिक और प्राइवेट को क्या करे, इम्पोर्टेंस दी. ये नहीं बोला कि सिर्फ पब्लिक ज्यादा बेटर है और प्राइवेट कम है, पब्लिक को भी और प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को क्या करा इसने, इम्पोर्टेंस दी. ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर वॉज असाइन द की रोल ऑफ किक स्टार्टिंग. लेकिन इसने बोला कि ठीक है मुझे ग्रोथ करनी है, इंडिया और पाकिस्तान ने क्या करा कि उन्हें पता था कि हमारी अगर इकोनॉमी हमें ग्रो करना है तो उन्होंने क्या करा, जो किक स्टार्टिंग प्रोसेस, जब भी हम कोई गेम खेलते थे मैच वगैरह तो सबसे पहले मारनी पड़ती है ना, है ना, तो यानी कि किक स्टार्टिंग पॉइंट रखा किसको, पब्लिक को. ठीक है, तो किक स्टार्टिंग यानी कि प्राइमरी रोल किसको दिया उन्होंने, पब्लिक सेक्टर को. उन्होंने बोला कि भाई किक स्टार्टिंग पॉइंट रखा फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. ठीक है ना, किक स्टार्टिंग. और जो प्राइवेट था उन्होंने उसको क्या बोला, सेकेंडरी रोल दिया. यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कौन सा रोल दिया, सेकेंडरी रोल. ठीक है, सेकेंडरी रोल. अब देखो मैं कह रही हूं कि पब्लिक सेक्टर को किक स्टार्टिंग पॉइंट बोला, यस उसको फर्स्ट रोल दिया, प्राइमरी रोल दिया, तो ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ, देखो गवर्नमेंट के इतना इन्वेस्टमेंट जो होना था, इतना जो खर्चा होना था, एक्सपेंडिचर होना था, कोई इंडिविजुअल कर पा था उसको, नहीं कर पा था. प्राइवेट फर्म उसको कर पाती, नहीं कर पाती. तो उसने इसलिए पब्लिक सेक्टर को बोला कि स्टार्ट तुम करो, मतलब स्टार्ट तुम करो, उसके बाद प्राइवेट अपने आप संभालेगी. ठीक है, तो यानी कि पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के पास तो इतना है कि वो उसको अफोर्ड कर सकती है, लेकिन प्राइवेट तो नहीं कर पाती ना. तो इसलिए उसने क्या बोला कि पब्लिक को किक स्टार्टिंग पॉइंट बोला कि स्टार्ट तुम करो, बाकी का आगे प्राइवेट करेगी. ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी रोल उसने प्राइवेट को दिया और पब्लिक को क्या दिया, फर्स्ट रोल, यानी कि किक स्टार्टिंग प्राइमरी रोल दिया. समझ में आया क्यों बोला उसने कि पब्लिक को किक स्टार्टिंग पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होना था, जो खर्चा होना था, वो इतना था कि उसको प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट नहीं कर पाती, उसको अफोर्ड नहीं कर पाती, उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी, इतना कैपिटल ही नहीं था जितना गवर्नमेंट के पास है. तो
तो इसलिए गवर्नमेंट को उसने बोला कि भाई जो पब्लिक सेक्टर है उसको पहले नंबर पे रखो और सेकंड पे किसको रखा, प्राइवेट। समझ में आया? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर हम चाइना की बात करते हैं, ये तो हो गई इंडिया और पाकिस्तान की बात, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चाइना में, चाइना ने क्या करा ग्रोथ के लिए। देखो चाइना ने पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था स्टेटिज्म। कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी? स्टेटिज्म, ठीक है। स्टेटिज्म मतलब होता है राज्यवाद जिसको बोलते हैं, यानी कि स्टेट डिसीजन देगा, बाहर का कोई डिसीजन नहीं देगा, ठीक है। तो चाइना ने बोला कि स्टेटिज्म उसने पॉलिसी अपनाई, उसने क्या बोला कि जो भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा, स्टेट लेगा। चाइना का जो भी डिसीजन होगा उसके स्टेट लेगी, बाकी कोई नहीं लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि देखो दोनों की जो इकोनॉमी थी, जो ओनरशिप था, जो भी रिसोर्सेस थे इसके, जो कैरिबियन चाइना के जो रिसोर्सेस थे वो किसके साथ थे, किसके साथ लिंक थे, स्टेट के साथ, वेस्टेड विद द स्टेट, ठीक है, स्टेट से जुड़े हुए वो रिसोर्सेज यूज करे उसने। नेक्स्ट, स्टेट वॉज टू डिसाइड। अब जो स्टेट होगा यहाँ पे स्टेट ही डिसाइड करेगा क्या, वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन कौन लेगा, स्टेट, यानी कि जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो, ठीक है। अब चाइना ने देखो क्या करा, तो यानी कि ओनरशिप जो है किसके साथ में, स्टेट के साथ में, ठीक है। दूसरा, जो भी स्टेट है वो डिसाइड करेगा, यानी कि चाइना ने स्टेटिज्म एज अ मॉडल ऑफ ग्रोथ को अडॉप्ट किया, जिसमें उसने बोला कि सारी ओनरशिप जो है वेस्टेड विद द स्टेट होनी चाहिए। दूसरा, स्टेट डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस तरह प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब इन्होंने देखो तीनों की, अभी तो दोनों की अलग अलग बातें, इंडिया पाकिस्तान का तो सेम था, इसमें सेम है, नेक्स्ट जो चाइना का है, चाइना का अलग था, ठीक है। अब तीनों में जो था, तीनों की अगर हम बात करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर जो अडॉप्ट करे वो कौन कौन से थे, देखो एक तो ये है कि ऑल द इकोनॉमी रिलाइड ऑन पब्लिक, कि जितनी भी इकोनॉमी होगी वो सब किस पे रिलाय करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, पब्लिक सेक्टर पे एज अ कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। उसने मतलब तीनों की जो मेन कॉमन एलिमेंट था, तीनों की कॉमन एलिमेंट ये था कि भाई तीनों की कंट्रीज जो जितनी कंट्रीज होंगी वो सब किस पे डिपेंड करेगी, पब्लिक सेक्टर पे, ठीक है। दूसरा, ऑल्सो ऑल द थ्री इकोनॉमीज रिलाइड बेसिकली ऑन इनवर्ड बुकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ। इनवर्ड बुकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ का मतलब तीनों इकोनॉमी इस पर डिपेंड करेगी, इनवर्ड बुकिंग मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करेगी, सिर्फ सब्स्टिट्यूट का इम्पोर्ट करेगी। मतलब जैसे वो देखेगी कि भाई मेरे पास में इतना प्रोडक्शन है कि मैं अपनी कंट्री का पूरा मतलब पूरा यहीं से हो जाएगा, बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बाहर भेजने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी इसी को बोलते हैं कि जब हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास अवेलेबल है सब कुछ, ठीक है, या उसके अकॉर्डिंग में देख सकती हूँ कि भाई मेरे पास सपोज अगर मैं कह रही हूँ टी है और टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, तो मैंने ये देखा कि टी तो मेरे पास है लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट अगर लोग ढूंढते हैं तो उनको इसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, तो सिर्फ जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे उनका मैं इम्पोर्ट करूंगी, बाकी चीजों का मुझे इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी यही होता है कि जब अपने अंदर हम अपनी मतलब उसमें ढूंढते हैं कंट्री में कि भाई हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्या चीज नहीं है जो हमने बाहर से मंगाना है, ठीक है। तो तीनों इकोनॉमी ने, यानी कि इंडिया ने, चाइना ने और पाकिस्तान ने क्या करा, तीनों इकोनॉमी ने क्या करा, बेसिकली किस पे डिपेंड रखे, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ पे। इन्होंने क्या देखा कि भाई प्रोटेक्शन करा डोमेस्टिक में, जब इन्होंने देखा कि बाहर से कुछ ना ये बाहर भेज रहे ना ये अंदर कुछ मंगा रहे, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रहे, तो इन्होंने किस लिए करा, ये प्रोटेक्शन करने के लिए, किसका प्रोटेक्शन, अपनी डोमेस्टिक कंट्री का, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। भाई जब बाहर के लोग आएंगे ही नहीं, फॉरनर्स आएंगे ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, ना हम लोग कर पाएंगे ना बाहर के लोग कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री होगी, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, तो वो क्या हो रही है, प्रोटेक्ट हो रही है, बाहर के लोग नहीं आए, प्रोटेक्शन हुई है। तो प्रोटेक्शन किसने हुई है कि भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, प्रोटेक्ट कर दिया है ना, एक तरह से उनको सेफ उसमें डाल दिया ताकि बाहर के लोग आके कोई हम पे करप्शन ना कर पाए या एक्स्ट्रा चार्ज ना करें, ठीक है, बाहर के लोग हमें लूटे ना, तो इसलिए जो
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, ठीक है। तीनों ने किया, तीनों की बात कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट है ना, तीनों ने जो करा। However, while Chinese economy was like a closed economy, अब आपको पता है कि जो चाइनीज इकोनॉमी है, चाइना की जो इकोनॉमी है, चाइनीज इकोनॉमी, ये कौन सी इकोनॉमी है? क्लोज्ड है। कैसी इकोनॉमी है ये? क्लोज्ड, ठीक है। और जो इंडिया और पाकिस्तान है, इनका लिमिटेड इंटीग्रेशन है दूसरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इनका लिमिटेड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन लिमिटेड है, इंटीग्रेशन मतलब मेल जोल बाकी कंट्रीज के साथ में, इनका इंडिया और पाकिस्तान का मेल जोल है। लेकिन चाइना क्या है? क्लोज है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं है। ये अपने में इन्वेस्ट करता है, ना कि कोई बाहर का यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकता है, ना ये बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एफडीआई को इन्होंने, जो एफडीआई था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको मेन उसमें देखा कि भाई इससे ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, यानी कि अगर हम फॉरेन में पैसा लगाते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ओवर टाइम द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ हैज अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो ग्रोथ था उसमें कुछ चेंज आया, इंडिया और पाकिस्तान की जो ग्रोथ हो रही थी उसमें चेंज आया, ठीक है। अब ये कैसे आया, कैसे करके पता चला कि चेंज हुआ है? देखो, जो गवर्नमेंट थी दोनों इकोनॉमी की, आर नाउ रिलाइंग ऑन मॉडल ऑफ ग्रोथ व्हिच कंटिन्यूज टू बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। आपको मैंने बताया था मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे डिपेंड करती थी, बट इट इज द वन व्हिच असाइन ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर रादर देन द, लेकिन ये वो था। देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी इसमें जो मेन था, मैंने आपको बोला था कि पब्लिक को उसने फर्स्ट उस पर रखा था, लेकिन आपको पता है कि जो मिक्स इकोनॉमी है उसमें मेन किसका रोल रहता है? प्राइवेट का रहता है, गवर्नमेंट का बहुत कम रहता है, ज्यादा किसका रहता है? प्राइवेट का रहता है। नाउ द मॉडल ऑफ ग्रोथ इज द वन विच असाइंड ग्रेटर इंपॉर्टेंस। तो अब क्या हुआ, जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है उसने क्या देखा कि ग्रेटर इंपॉर्टेंस किसको दी? एफडीआई को। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा क्या दी? इंपॉर्टेंस दी, ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दी रैदर देन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। भाई, लोगों को लगा कि फॉरेन में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, हम ज्यादा कमा लेंगे, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है। अगर हम डोमेस्टिक कंट्री में लगाएंगे तो इतने पैसे नहीं कमाएंगे जितने हम बाहर लगा के कमा लेंगे, ठीक है। तो एफडीआई पे ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी एफडीआई को। लेकिन चाइना में क्या हुआ, अब आ जाओ चाइना में, ये तो था इंडिया का और पाकिस्तान का। नाउ इन चाइना ऑन द अदर हैंड, कोर एलिमेंट जो ग्रोथ मॉडल का है उसमें कोई चेंज नहीं आया, इट कंटिन्यूज टू बी स्टेट मैनेज। इसने बोला था भाई मेरी स्टेटस में मेरे स्टेट साइड डिसीजन लेगी, क्योंकि चाइना क्या देखता था कि भाई जो डिसीजन है, अब इसने तो बोला था मिक्स इकोनॉमी है, भाई मार्केट भी ले सकती है और गवर्नमेंट भी ले सकती है, इंडिया और पाकिस्तान ने बोला। चाइना ने क्या बोला था, मेरा सारा खर्चा उसने बोली साइड लैंड मेरी गवर्नमेंट की है। अब जब लैंड गवर्नमेंट की होगी तो लैंड पे खर्चा होगा वो कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है। तो चाइना ने क्या बोला, चाइना ने कोई चेंज नहीं करा, चाइना ने बोला कि भाई मेरा जो है वो स्टेट में स्टेट मैनेजरी है, सारा डिसीजन स्टेट लेगा, सब कुछ स्टेट ही करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, हाउएवर द सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हैज अकर्ड इन चाइना। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, मैंने बोला ना चाइना किसी से मतलब नहीं रखता, क्लोज इकोनॉमी था, ना बाहर के लोग यहाँ आ सकते थे ना यहाँ के लोग बाहर जा सकते थे। तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। चाइनीज इकोनॉमी ने सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्म किया, कैसे? क्लोज इकोनॉमी को किसमें चेंज कर दिया उसने? ओपन इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी मतलब चाइना बाहर भी जा सकता है और बाहर के लोग यहाँ भी आ सकते हैं इन्वेस्ट करने, ठीक है। यानी कि एक तो उसने चेंज करा कि क्लोज इकोनॉमी से किसमें चेंज कर दिया उसने? ओपन इकोनॉमी में, ठीक है। इसके बाद इट नाउ लार्जली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल डिमांड। अब भाई जब ओपन इकोनॉमी हो गई तो वो ज्यादातर किस पे डिपेंड होने लगा? बाहर की एक्सटर्नल डिमांड पे, है ना, अपने डोमेस्टिक पे नहीं रहता जा रहा, डिपेंड किस पे रहता था? बाहर की डिमांड पे, क्योंकि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस पर ज्यादा डिपेंड करता था, है ना, जो बाहर के लोग सामान मंगाते तभी तो वो एक्सपोर्ट करेगा, तो उस पर ज्यादा वो डिपेंड होने लगा। इट इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, तो ये कौन सी इकोनॉमी बन गई? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गई, ठीक है। एफडीआई इज नाउ अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी इन द कंट्री। अब जो अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में मेन रोल, मेन इंपॉर्टेंस किसको देने लगे भी? एफडीआई, ठीक है। इसने देखा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान ने एफडीआई में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उनको ग्रो करने लगे, इसने जो है अपनी क्लोज बना के रखी, तो क्या हुआ? डाउन होता रहा, भाई बाहर के कितना इसके लोग कितना ही अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, कितना इसको आउटपुट मिलेगा, इतना तो नहीं मिलेगा जितने बाहर करने पे होगा, ठीक है। अब उसने भी किस पे किसको देने लग गया चाइना इंपॉर्टेंस? एफडीआई को, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देने लग गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इट इज ओइंग टू द चेंज इन द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ दैट ऑल द थ्री इकोनॉमीज हैव सक्सेसेड। अब इससे क्या हुआ, तीनों ने अपने अपने ग्रो करने लग गए। समझ में आया इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो अप करी, तीनों के एलिमेंट्स कौन से कॉमन थे तीनों में। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीडीपी ग्रोथ ने एकदम से इंडिया पाकिस्तान और चाइना में तीनों में बढ़ गई। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम जो थी डोमेस्टिक इनकम वो क्या हो गई, एकदम से तीनों कंट्रीज की बढ़ गई, ग्रो कर गई। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर था ग्रोथ का उन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया, यानी कि चेंज किया अपने आप को, जैसे चाइना ने चेंज करा क्लोज से ओपन में आए ना, तीनों ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज बीइंग रीरिटन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज गॉटन स्टैग्नेशन। डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी चेंज हुई, सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी क्या हो गई, चेंज हो गई, उसको फिर से दोबारा लिखा गया और फिर से उनके अकॉर्डिंग देखा गया कि कितना चेंज इसमें हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा था कि पब्लिक सेक्टर को रैंक क्यों किया गया, उसके बाद कौन से हमारे मेन कॉमन एलिमेंट्स थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट, कॉमन कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। अगर हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के अलग अलग से बात करते हैं तो तीनों की कैसे करके हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई तीनों ने कैसे करके एक दूसरे को कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना, कि चाइना ने ग्रो करी उसकी स्टोरी क्या रही होगी, कैसे उसने ग्रोथ करी। ठीक है, आपको पता है कि चाइना जो है लार्जेस्ट एक्सप्लोरर है, कहां पे, पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर चाइना, सबसे ज्यादा जो माल जाता है वो कहां से जाता है, चाइना से। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें क्या हुआ था, इसने एक तो क्या कर दिया था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में आ गया था। ठीक है, ये इसकी स्टोरी थी, भाई पहले इसने बोला था कि सिर्फ मेरा स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगा क्या बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है। अब उसने क्या करा, उसको हटा दिया, उसके पीछे उसको कौन लाया, किसको लाया, मार्केट को, ये मार्केट देखेगी भाई, स्टेट का कोई रोल नहीं है, मार्केट देखेगी। ठीक है, इससे उसकी सक्सेस हुई। दूसरा, उसने एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे क्या करा, फोकस करा, उसने वो ही अपने कंट्री में प्रोडक्शन करा उन्हीं चीजों का जिसकी ज्यादा एक्सपोर्ट में डिमांड है, जिसकी ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं उसी चीज का प्रोडक्शन किया। ठीक है, उससे क्या होगा, पैसा ज्यादा है उस कंट्री में, है ना। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स गिविंग चाइना कंपेरेटिव। अब देखो चीप लेबर फोर्स जो है चाइना में, चीप लेबर फोर्स मिल जाती है तो वो उससे इजीली काम कितना भी करा सकता है जब चीप लेबर फोर्स उसके पास अवेलेबल है चाइना के पास। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको बोलते हैं GLF फॉरवर्ड कैंपेन, लॉन्च हुआ था 1958 में, कहां पे, चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि चाइना ने देखो क्या करा, चाइना ने SEZ बनाया। SEZ किसको बोलते हैं, डू यू नो, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, व्हाट इज SEZ, क्या होता है, देखो चाइना ने ये बनाए जोन्स, बनाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जो कि क्या करते हैं, जो भी बेसिक अमेनिटीज होती हैं इन्वेस्टर की उसको पूरा करते हैं, ऑफर करते हैं, है ना। चाइना ने क्या करा, इसका जो मेन डेस्टिनेशन था वो FDI, मैंने बताया ना चाइना भी इसमें इंपॉर्टेंस देने लगा FDI। ठीक है, इसके बाद 100% इक्विटी ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जो फ्री फ्लो था FDI का रिटेल सेक्टर में वो पूरी तरीके से हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर की तरह फैल गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स में सब आ गए, चाइना पहले तो बंद था, क्लोज थी, इसमें ओपन हुई, चलिए ग्लोबल इन्वेस्टर भी चाइना में आ गए, तो इस तरीके से चाइना ने क्या करा, ग्रो करा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, देखो अब क्या हुआ कि चाइना ने, मैंने आपको बताया GLF लॉन्च हुआ, ठीक है, GLF यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन लॉन्च हुआ, जो कि कब हुआ, 1958 में। इसका एम था कि इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल, मतलब बड़े स्केल में इंडस्ट्रियलाइज करना अपनी कंट्री को। ठीक है, पीपल को एनकरेज करने करेगा कि वो अपने बैकयार्ड्स में जहाँ पे जगह है वहाँ पे इंडस्ट्री खोले। ठीक है, रूरल एरियाज में कॉम्यून्स वर स्टार्टेड, अंडर कॉम्यून सिस्टम पीपल क्या करते हैं, कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, यानी कि इकट्ठे होके कल्टिवेट करते थे लैंड को, है ना। इन 1958 में देयर वर 26,000 कम्यून्स,
कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन। अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 26,000 इतने वहां पे कॉम्यून सिस्टम हो गए थे जो पूरी पॉपुलेशन में कवर किए थे। ठीक है, जीएलएफ कैंपेन जो है, जीएलएफ कैंपेन स्टार्ट हुआ लेकिन उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी लोगों को। ठीक है, सीवियर ड्रॉट, एक ड्रॉट आया था चाइना में जिससे 30 मिलियन पीपल क्या हो गए थे, डाई हो गए थे, ठीक है, मर गए थे। When Russia had conflict with China, अब क्या हुआ, जब रशिया का चाइना के साथ में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उसने professionals who had earlier been sent to China to help in the जो industrialization process के लिए जो लोगों को भेजा गया था, professionals को भेजा गया था चाइना में, उन लोगों को भी निकाल दिया गया। ठीक है, इन 1965 में माओ ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन 1966 से 76 तक वो चला, जिसके अंडर में क्या हुआ, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, उनको जो है उनके काम पे भेजा गया और बोला गया कि वहीं से तुम अपना काम सीखो। ठीक है, प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई चाइना में कैन बी ट्रेस बैक टू फॉर्म रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन 1978। चाइना ने इंट्रोड्यूस करे रिफॉर्म्स फेजेस में। ठीक है, इन द इनिशियल फेज, फर्स्ट फेज में उसने क्या करा, रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। एग्रीकल्चर में क्या करा उसने, कॉम्यून लैंड्स को डिवाइड करा, छोटे छोटे प्लॉट्स बना दिए, बड़ी लैंड को छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करा। ठीक है, और उनमें विच आर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, और हर एक लोगों को वो दिया कि भाई तुमने इसमें खेती करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टेप, उसमें कुछ टैक्सेस पे करने के बाद जो भी उसमें इनकम होती थी वो लोग वो अपने आप रखते थे। ठीक है ना, जो भी मतलब जिनको लैंड दी जाती थी वो लोग अपने आप उसके इनकम उससे रखते थे। दूसरे वाले फेज में क्या करा उसने, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में रिफॉर्म को क्या, रिफॉर्म बनाए गए। ठीक है, इन द लेटर फेज उसमें क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, अगर जनरली हम बात करते हैं, टाउनशिप है, विलेज एंटरप्राइजेस हैं, तो जो भी ऑपरेट करते थे या जिनके वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव के होते थे, तो उनको क्या किया गया, अलाउ किया गया कि तुम इसमें प्रोडक्शन करो और जो भी उससे इनकम होगी वो तुम रखो। ठीक है ना, तो इस स्टेट में एंटरप्राइज ने जो ओन थे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज रहते हैं, जिसमें बताया ना स्टेट के रहते थे पहले वहां पे चाइना में, तो वो अब किसमें रहने लगे, पब्लिक सेक्टर उनको एंटरप्राइज बोलने लगे। ठीक है, इंडिया में हम लोग उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये जो रिफॉर्म प्रोसेस था इसमें ड्यूअल प्राइसिंग यूज हुआ, इसका मतलब प्राइसेस फिक्सिंग में टू, या तो फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट में होते थे जो भाई जिनको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिक्स रहता था, या फिर दूसरा उसमें होता था कि जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया प्राइस उसके उसमें। ठीक है, एंड रेस्ट फॉर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस, जितना गवर्नमेंट ने फिक्स करा प्राइस उसमें तो हुआ, बाकी का इसमें मार्केट प्राइस पे जाता था। ठीक है, इयर्स के साथ में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो प्रोपोर्शन जो था गुड्स और इनपुट्स का ट्रांजैक्ट हुआ इन द मार्केट आल्सो इंक्रीज, इससे क्या हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप किया गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कल को स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान का एंड देन इंडिया। ओके, थैंक यू।